कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है शब्द। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। निम्नांकित चित्रों को पहचानिए। हंस, पाला, बकरी, गुलाब, भालू, शेर, ये सब चित्र हैं और नीचे उनके नाम दिए हुए हैं। सभी चित्रों को हम पहचान सकते हैं। इन सभी के नाम सार्थक वर्ण समूह है। ये सभी शब्द है। ये सब क्या है? शब्द, जैसे गुलाब, बकरी, ताला, हंस, भालू, शेर। अब निम्न वर्ण समूह को देखिए। सह, लाता, रिकब, लागू, लूभा, रशे, रीच में, गरु। ये क्या वर्ण समूह भी शब्द हैं? बताइए, इनका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा। नहीं, ये वर्ण समूह किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं करते, अतः ये शब्द नहीं है। तो इससे तात्पर्य यह है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये सब क्या है? ग, ल, ब, ये सब क्या है? वर्ण है। जब इन वर्णों को सही समूह में लिखा जाता है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार के बारे में। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरार्थक। सार्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ हो, और निरार्थक को क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरार्थक कहते हैं। जैसे खाना, खाना एक शब्द है। वाना, वाना कोई शब्द है? नहीं है। निम्नलिखित संवादों को पढ़िए। तो देखिए, अब हमें क्या है? दो मित्र हैं, उनके बीच में आपस में बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्या बात हो रही है। पहला मित्र, चलो कुछ चाय शाय हो जाए। पहला मित्र क्या कह रहा है? चलो कुछ चाय शाय हो जाए। दूसरा मित्र, नहीं, मैं घर से खाना वाना खाकर आया हूँ। पहला मित्र, थोड़ा नमकीन शमकीन ही ले लो। वो क्या कह रहा है? कि थोड़ा नमकीन शमकीन ही ले लो। दूसरा मित्र, धन्यवाद, कुछ भी लेने की इच्छा विच्छा नहीं है। इन संवादों में रंगीन छपे शब्द। अब जो हमने संवाद पढ़े उसमें कुछ शब्द क्या है? रंगीन है, नीले रंग के। कौन कौन से? शाय, वाना, शमकीन, विच्छा, ये सब क्या है? ये सब निरार्थक शब्द है। ये अर्थपूर्ण शब्दों के साथ प्रयुक्त होने के कारण सार्थक हो उठे हैं। जैसे इच्छा, इच्छा एक सार्थक शब्द है, लेकिन विच्छा का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो ये शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है वो सार्थक शब्दों के साथ मिल गए, तो वो उनका कारण सार्थक सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने शब्दों के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इनके उत्तर स्वयं लिखने हैं। प्रश्न दो, सुमेलित करो। अब क्या करना है आपको? बताना है। जैसे दोचा, दोचा क्या है? सार्थक है या निरार्थक है? दोचा कोई वर्ड नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, तो ये क्या है? निरार्थक। मछली, मछली एक शब्द है, तो ये क्या है? सार्थक। हिरण, हिरण सार्थक है। यही चू, ये का कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये क्या है? निरार्थक है। अब हम करेंगे प्रश्न तीन, रिक्त स्थानों में उचित वर्ण भरकर सार्थक शब्द बनाओ। अब हमें क्या करना है? खाली स्थान दिए हुए हैं, उन स्थानों पर हमें उचित वर्ण भरना है और क्या बनाना है? सार्थक शब्द बनाना है। जैसे अगर, तो इसमें हम क्या लिखे? इसे हम लिखेंगे अजगर, अजगर। पुजारी, तिलक, मिठाई, कछुआ,
अंगूर, त राजू, तकिया। तो देखिए हमने इनके साथ उचित वर्ण भरा और ये क्या बन गए, ये सार्थक शब्द बन गए। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने शब्दों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।